पहले आप ये खूबसूरत नज़ारा देखें। हम इस समय रजौरी में हैं और ये सड़क जो हम आपको दिखाएंगे, ये सड़क किसी दूर दराज गांव की तरफ जाने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो सड़क है जो रजौरी को कनेक्ट करती है आगे पुंछ के साथ, जो रजौरी से थाना मंडी की ओर जाती है और फिर यही सड़क आगे मुगल रोड की तरफ जाती है। आपको दिखा दें कि इस समय इस सड़क की क्या हालत है। कटिंग का काम चल रहा है, यानी कि सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम अभी लगा हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो लोग इस सड़क पर काम कर रहे हैं, उनसे हमारी जो बात हुई, उनका ये कहना है कि लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें आ रही हैं, लोग ज़मीन नहीं दे रहे, कंपनसेशन के मसले हैं कि प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रही, रेट कम मिल रहा है, जिसके चक्कर में लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें आ रही हैं और इस सड़क का काम जो है वो डिले होता जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि जो इतनी इम्पोर्टेंट सड़क है जो रजौरी से थाना मंडी जाती है और आगे भी बहुत सारे इलाकों को कनेक्ट करती है, उस सड़क की हालत इस समय क्या है कि जो गाड़ियाँ इस सड़क पर चल रही हैं कितना धुआं उड़ रहा है, और आगे भी जो पैचेस सड़क के हैं, यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो माना जा सकता है कि सड़क की हालत है, लेकिन आगे भी जो पैचेस सड़क के हैं वो ये दर्शाते हैं कि पिछले सालों में क्या कोशिशें की गई इस सड़क की मरम्मत करने के लिए और इस सड़क की कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आपने सड़क की हालत ऑलरेडी देख ली कि जिस व्यक्ति को रजौरी से थाना मंडी जाना है उसे किस सड़क से होकर गुजरना है। यहाँ हम आधे रास्ते रुके थे तो यहाँ पर दिख रहा था कि यहाँ पे क्रशर लगे हुए हैं और कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है। जब हमने यहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसी सड़क के निर्माण के लिए, इसकी डबल लेनिंग के लिए और उसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए जो है यहाँ पर क्रशर लगाया गया है, BRO द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है। जो इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कब से चला आ रहा है और ये काम जो है वो कब शुरू हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम चेतन सिंह सिसोदिया। मुझे बताएं कि ये यहाँ पर क्रशर कब से लगा हुआ है? ये फरवरी से काम चल रहा है। फरवरी से? तो ये सड़क का काम, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बनेगी? ये बनेगी रजौरी से सुरनकोट। रजौरी से सुरनकोट जी। ये बुरी हालत जो आ गई इस रास्ते की, ये कब से है? ये तो काफी समय से, जैसे लोग बताते हैं, पिछले 70 सालों से ये लोग इस रोड के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस साल ये काम चलेगा इसमें। कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ आइडिया है? ये BRO के अंडर है और इसे धर्मराज कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये बना रही है। टेंडर हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी। तो ये क्रशर अभी एक्टिव हुआ है, कोविड के टाइम में बंद था या फिर उस टाइम पर भी चल रहा था? नहीं, कोविड पे बंद था। कोविड के टाइम पे बंद था, अभी दोबारा से काम जो है वो शुरू हुआ जी। कुछ आइडिया है कि क्या बताया गया है, कब तक कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी? ये 2 साल का समय, 2 साल का समय बताया गया है, पूरी रजौरी से लेकर सुरनकोट तक जी। जी, मुझे बताएं कि ये जो रोड आगे बिल्कुल खराब है और आगे भी कितने पैचेस खराब हैं, कितने सालों से इसकी ऐसी हालत है? ये तो मुझे लग रहा 8-9 साल से इसकी खस्ता हालत है इस रोड की। तो इस आने जाने बाहर के जो मुसाफिर लोग हैं उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस रोड का जो है काम शुरू किया जाए। कितनी परेशानी यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को इस सड़क की वजह से आती है? यहाँ के लोगों को तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कहीं किसी खुदा न खास्ता किसी हमारी माँ बहन की डिलीवरी का कुछ भी हो सकता है, आने जाने में बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ता है। जो कि मेरी यही अपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है, फटोफट से जो ही जितना भी है जल्द जल्द इस रोड का जो है कार्रवाई जो है वो की जाए। अब कहा जा रहा है डबल लेनिंग होगी इस रोड की, अगर डबल लेनिंग होती है उससे कितना फ़ायदा यहाँ के लोकल्स को होगा? यहाँ के लोकल्स को तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सकता है। आप मानते हैं कि किसी को अगर अस्पताल जाना है, किसी को अगर इमरजेंसी है, कोई रजौरी पहुंचना है थाना मंडी से, तो उसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है सिर्फ एक सड़क की वजह से? कितना समय लगता है थाना मंडी से रजौरी पहुंचने? यहाँ से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। जब जामिंग हो जाती है, किसी की डिलीवरी होती है, कोई ड्यूटी पे जाना होता है, कोई कहीं जाना होता है, तो यहाँ पे जो जामिंग जब हो जाती है बहुत ही समय जो है वो मुश्किल करना पड़ता है। मुझे बताएं कि रजौरी का बड़ा खूबसूरत इलाका है जी। जी हाँ। आपके यहाँ से जो पहले MLA रहे हैं, जो यहाँ से पहले आपके नुमाइंदे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ये नज़र नहीं डाली सड़क के ऊपर कि सड़क को भी कभी बनाया जाए? उनने तो, उनको बहुत ही बार कहा गया है कि इस हमारी इस खस्ता हालत को आप लोग देखें, आप लोग इसको आगे से आगे जल्द से जल्द तौर करें, और इनने इन बातों में उनने ध्यान नहीं दिया है। जो कि यहाँ डिलीवरी होते बहुत ही हमारे माँ बहनों की मौतें हो जाती हैं, एक्सीडेंट भी मौतें हो जाती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है
इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जैसा आपने सुना कि रजौरी के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है इस सड़क को बनवाने के लिए। अभी भी ये पीछे आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें कैसी सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। कारण सिर्फ यही कि इस रोड की जो इम्पोर्टेंट रोड है, इम्पोर्टेंट रोड इसलिए क्योंकि ये रोड रजौरी से थाना मंडी आगे सुरनकोट, यही रोड आगे मुगल रोड की ओर जाता है, पुंछ कनेक्ट करता है और पुंछ से आगे फिर कश्मीर को भी कनेक्ट करता है। तो ये वो बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है रोड का जो आगे आप देखेंगे तो इससे भी बुरी हालत आपको देखने को मिलेगी। जिस रास्ते से लोग गुजर कर आ रहे हैं, किसी को पुंछ जाना है, किसी को मुगल रोड जाना है, और मुगल रोड का टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है, उसको लेकर बातें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन ये नहीं समझा जाता कि जब कोई टूरिस्ट मुगल रोड की खूबसूरती देखने के लिए आएगा, रजौरी की खूबसूरती देखने के लिए आएगा, थाना मंडी जाएगा, तो उसे किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। इस रोड का काम अब इन्होंने बताया कि शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 सालों में ये रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतने सालों से सरकार कहाँ सोई हुई थी। कोविड के चलते जो है काम रुका, अंडरस्टैंडेबल भी है, लेकिन अब क्या 2 सालों में ये मुमकिन हो पाएगा कि ये जो रोड का स्ट्रेच इतनी बुरी हालत जिसकी है, इसकी डबल लेनिंग मुकम्मल हो जाए, ये रोड जो है बिल्कुल स्मूथ बन जाए, ताकि आम लोगों को तो सहूलियत हो ही जो रजौरी के रहने वाले हैं, लेकिन जो लोग रजौरी घूमने आना चाहते हैं, पुंछ जाना चाहते हैं, मुगल रोड जाना चाहते हैं, उन्हें भी रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ मिले।